रिश्तों का आंगन सुना है, खुशी भी लगते हैं हम, वो धरती है स्वर्ग से सुंदर जा रहे हम, तुम पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम, पूरब या पश्चिम। मोहन, इस फाइल में वो मशीन परचेस की सारी डिटेल्स हैं। डैडी, आप अभी तक नाराज हैं? नहीं बेटा, अब तुम्हारे माफी मांगने के बावजूद अगर मैं अपनी जिद पे अड़ा रहूं तो क्या ये बुजुर्गों को शोभा दे? बात बहुत चिंता की हो गई है बेटा, अब बात इज्जत पर आ गई है। बाबूजी, आप चिंता ना करें, आपकी इज्जत के लिए मैं जान भी दे दूंगा। मेरी बीवी की तबीयत खराब है और हमारी जो डॉक्टर हैं जो उनको ट्रीट कर रही हैं, डॉक्टर सुरेखा, उनका एड्रेस मेरे पास नहीं है, क्या मुझे प्लीज हेल्प कर सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले फोन किया था कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना, लेकिन तुमने किया, अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना है। चलो भाई तुम्हारी बात। क्या मैं आप लोगों से कुछ देर बात कर सकता हूँ? कहिए। गांव में सूखा पड़ा हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और आप सब लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय यहाँ पे बैठ के ताश खेल रहे हैं। वो क्या है छोटे मालिक, कि हमने इस समस्या के बारे में बहुत सोचा, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो ताश खेलने लगे। आप लोगों को मेरी बात मजाक लग रही है। मजाक ना करे तो क्या करे सिद्धार्थ भैया, उस धूलिक चंद की तरह खुदकुशी कर ले। अगर जीने का इतना ही शौक है तो आप लोग एक ठीक डायरेक्शन में कदम क्यों नहीं उठाते? क्या कदम उठाएं भैया, जब ऊपर वाला ही हमसे नाराज है। ऊपर वाले को दोष देने से आपके खेतों में पानी नहीं आएगा, अपनी किस्मत को ब्लेम करने से क्या इस गाँव के दुख दूर होंगे? नहीं होंगे, आपने ठीक कहा, क्योंकि हम लोग आपकी तरह ना तो अमेरिका में रहते हैं और ना ही पैसे वाले हैं। समाज सेवा आप लोगों का फैशन बन चुका है। मैं कोई यहाँ पे सोशल वर्क करने नहीं आया, बल्कि आप लोगों की पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया, जिसके लिए मुझे आप लोगों का विश्वास चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप लोग क्या मेरा विश्वास नहीं कर रहे? वाह भैया वाह, हमारा विश्वास मांग रहे हैं आप, और हमारी परछाई तक से तो आप लोग दूर भागते हैं। हमारा छुआ ना आप खा सकते ना पी सकते, और हमसे विश्वास की बात कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं छोटे मालिक, आप जो लोगों को अपना भाई कहते हैं, क्या आप उनके घर का पानी तक पी सकते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए सिद्धांत भैया। आप चुप क्यों हो गए? पालनपुर जैसे पिछड़े हुए गांव का हर गरीब आदमी ये पानी पीता है, क्या आप इस पानी को पी सकते हैं? क्या आप इस पानी को पी सकते हैं? बताइए ना, क्या आप पी सकते हैं इस पानी को? बस हो गई।
अब आपको मेरा विश्वास हुआ? सामान यहाँ रख दो। सोनाली तुम यहाँ वेट करो, मैं मम्मी पापा को फोन करके आती हूँ। जी। हेलो मामा। आशा बेटा तुम लोग पहुंच गए। दीप्स? हाँ मामा हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। थैंक गॉड। सोनाली कैसी है? मामा डोंट वरी, सोनाली बिल्कुल ठीक ठाक है एंड शी इज विद मी। बेटा उसे मेरा प्यार देना। और सुनो उसके घर, एक मिनट बेटा, तुम्हारे पापा बेसब्री से तुमसे बात करना चाहते हैं, एक मिनट। हाँ बेटा सब ठीक है ना? हाँ बस अभी पहुंचे हैं। अभी मैं सोनाली को उनके पेरेंट्स के पास छोड़कर मोहन चाचा जी के यहाँ चली जाऊंगी, फिर वहाँ से फोन करती हूँ। बेटा गांव के लिए जल्दी निकल जाना, लीव एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके? जी पापा। और वहाँ पहुँचकर दादाजी को और दादी को हमारा प्रणाम देना। और बेटा अच्छे से बात करना, उसे कहना कि मैं नाराज नहीं हूँ लेकिन आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट हिम। पहले वो अपना प्रोजेक्ट खत्म कर ले और उसके बाद अगर कुछ दिन गाँव में रहना चाहता है तो कोई बात नहीं। हेलो दीप्स। निकी दीप से कहना जल्दी आ जाए, we're all missing him terribly. अच्छा दीज मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है, ओके बाय, मिसिंग यू। एक मिनट डैड से बात करो। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना, ओके? ओके बाय पापा। आशा मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे माँ बाप मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। They'll be very happy to see you. नहीं आशा, जब मेरी माँ ये सुनेगी कि मैं वहाँ से, I don't know, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है आशा, I have a stepmom and I really don't know how she's going to react to this news. Okay, let's do one thing. अभी हम तुम्हारे घर नहीं चलते, सबसे पहले तुम हमारे गांव चलो, दादा दादी से मिलो, रिलैक्स करो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे घर कब चलना है। ओके कम ऑन नाउ, चीयर अप, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलो ठीक है गुप्ता जी, आप एक काम कीजिए, पंचायत में जाके ये कहिए कि आज शाम को हमने बैठक बुलाई है। जी मालिक। 6 बजे मालिक आपसे कोई मिलने आया। हमसे मिलने आया? ले आओ अंदर।
अरे आशा, ये क्या बात हुई? तुम्हारी हवेली में तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं है। बेटे, तुझे क्या लगता है हम अपनी पोती को पहचानेंगे नहीं? अरे बेटे, अपने दिल के टुकड़े को पहचानने के लिए आंखों की नहीं एहसास की जरूरत होती है। आ जाओ बेटे। दादाजी, बचपन में दिया उतनी ही समझदार और वो अब भी है। हाँ। दादी, ये सना है ना? हाँ दीदी। ये सोनाली है, मेरी फ्रेंड। अमेरिका से हम साथ ही में आए। नमस्ते। नमस्कार जी दीदी। दादी, सिद्धांत नजर नहीं आ रहा है? मिलेगा तुझसे, इतनी उतावली क्यों हो रही है? हाँ, चल अभी जल्दी चल, आराम आराम कर, थकी हारी आई होगी। दादी, आरती लीजिए। जीती रहो बेटा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी आशा, मेरी नन्ही परी, अमेरिका जाकर बिल्कुल नहीं बदली है। इसमें हमारे संस्कार अब भी जिंदा है सना। दादी, मेरा बचपन आप ही के साथ, आप ही की गोद में गुजरा है, तो आप ही बताइए कि मैं अपने संस्कार कैसे भूल सकती हूँ। दीदी, एक बात पूछूं? पूछो। अमेरिका में ऐसा क्या है जो सब वहां जाके बदल जाते? सिर्फ इतनी सी है कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर डिफरेंट है, इसीलिए लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं बस। ओए ओए, ये कल्चर वल्चर की बातें छोड़। मैं जानती हूँ, मेरे बेटे बहू, मेरी पोतियाँ बिल्कुल नहीं बदलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ दादी, आपका विश्वास बिल्कुल सही है। मम्मी पापा ने वही परंपरा कायम रखी हुई है जो हमारे इस घर में, इस परिवार में, इस देश में। बेटा, मुझे सच सच बता, मेरे बेटे बहू हमें याद करते भी हैं कि नहीं? अच्छा, सत्या तुझे अपने बचपन की बातें सुनाता है? दादी, बिल्कुल सुनाते हैं, और वो सभी को मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। देखा ही नहीं। दीज। सेड, माय लिटिल ब्रदर, कैसे हो तुम? हाउ आर यू? वो सब तो छोड़िए, ये बताइए कि मॉम डैड कैसे हैं? एंड हाउ इज निक्स? सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। एनीवेज, मीट माय फ्रेंड सोनाली, हम साथ ही में अमेरिका से आए हैं। हाय। हाय, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। सेड, वेलकम टू इंडिया तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहीं के हो। यहाँ पे पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो इंडियन। सिर्फ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे मालूम है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, लेकिन आप पहले थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। नो सिर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बात अभी करनी है। सिर्फ मम्मी पापा तुम्हारे डिसीजन से कितने अपसेट है जानते हो तो? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने कैसे कह दिया फोन पर कि तुम ये अपना प्रोजेक्ट नहीं करोगे। वो कितने हर्ट हुए हैं। But I never wanted to hurt them, Dee. I don't agree. I absolutely don't agree, sir. तुमने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि पापा क्या कहना चाहते हैं या उनकी ओपिनियन क्या है। बस अपना डिसीजन लिया
और उन्हें बता दिया। सिर्फ एक बात बताओ, आज तक किसी भी करियर ऑप्शन में उन्होंने तुम्हें फोर्स किया है? नहीं, हर बार तुम्हारे डिसीजन में उन्होंने सपोर्ट किया है। और आज अगर तुम्हारे करियर के लिए वो फिक्रमंद हैं, तो क्या ये गलत है? सिर्फ तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो यूनिवर्सिटी तुम्हें अपना कोर्स करने से रोक सकती है? ओके सिड, लेट मी पुट इट दिस वे, मम्मी पापा आज सक्सेसफुल क्यों हैं? सोसाइटी में उनकी इज्जत क्यों है? वो हम सबको इतना अच्छा लाइफस्टाइल कैसे दे पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए सिड, क्योंकि वो अपने करियर के लिए। आई रियलाइज ऑल दिस थिंग। मुझे मालूम है कि डैड को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि मैंने इस फैसले को नहीं अपनाया, बल्कि इस फैसले ने मुझे अपनाया। एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई फेल्ट। सिर्फ तुम क्या कहना चाह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप बस चलिए। यहाँ देखिए इन बच्चों को इस घर में। ये बच्चे दुल्लू चंद के हैं, वही जिसने मनी लेंडर से लोन लिया था अपने खेतों के लिए, लेकिन रीपे नहीं कर पाया। एक दिन पेस्टिसाइड्स खा के अपनी जान दे दी। ये इसके छोटे छोटे बच्चे एक दिन का काम करके अपना पेट पालते हैं। जिस दिन कोई काम नहीं, उस दिन इस घर में चूल्हा तक नहीं जलता। आइए दीदी, आगे आइए। देखिए दीदी, इधर आइए। ये पिरजू है, इसका 8 साल का बेटा, यही इसी गांव का गंदा पानी पीकर बीमार पड़ गया। We had sent him to the hospital, but he died on the way. मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा आ गया। ये उसकी माँ यहाँ पर इसी तरह बैठी रहती है, इस आस में कि इसका बेटा एक दिन हॉस्पिटल से वापस आएगा और वो उसे दाल चावल बना के खिलाएगी। इसका बेटा जॉन्डिस से मरा था, लेकिन आज भी इस गांव के बच्चे वही पानी पीते हैं। वो देखिए दीदी, उन औरतों को, वो इसी गांव की औरतें हैं जो दूसरे गांव में पानी के लिए जा रही हैं। एंड द अदर विलेज इज 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। 13 किलोमीटर्स सिर्फ इसलिए क्योंकि इस गांव में पानी नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, इन लोगों की कोई उम्मीद नहीं। सर, क्या यहाँ कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं है? है दीदी, लेकिन वो काफी नहीं है, और यहाँ के अमीर लोग उन्हें गरीबों तक पहुँचने ही नहीं देते। दीदी, यहाँ के लोग हेल्पलेस हैं, लाचार हैं, और यही रीजन है कि मैं इस गांव में पानी लाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने दादाजी से ये प्रॉमिस किया था कि मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक इस गांव में पानी नहीं आएगा। दीदी, अब आप ही बताइए, क्या मेरा कोई भी प्रोजेक्ट इससे ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है? दीदी, मैं इन गांव के लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनका हक है। मैं यहाँ के बच्चों को खुशी खुशी जिंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनका हक है। नाउ दीदी, यू टेल मी, हैव आई रियली बीन सो इरेस्पॉन्सिबल विद माय ड्यूटीज? क्या ये वही भाई है जिसे मैं यूएस में जानती थी? क्या ये वही भाई है जो हमेशा म्यूजिक, कार्स और पार्टीज के बारे में बात किया करता था? मेरा भाई बड़ा हो गया है, सब कुछ समझने लगा है। सिड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सिड, तुम्हारे इस मिशन में
मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू डोंट नीड टू वरी, पापा से मैं बात करूंगी। सेड, वी ऑल लव यू, वी केयर फॉर यू, और तुम्हारे इस डिसीजन से हम बहुत खुश हैं। वी ऑलवेज बी देयर फॉर यू।